अरे पीले अमीरस धारा गगन में झड़ी लगी, अरे बरसे अमीरस धारा गगन में झड़ी लगी। शब्द की सत्ता सर्वोपरि होती है। इतिहास बदलते हैं, परंपराएं विकसित होती हैं, और इन सब के बीच न जाने कितनी चीजें अपनी आंखें खोलती हैं, लेकिन शब्द इन सब के बीच अनथक चल रहा है। शब्द अनुभव की गहराई से उठता है और अपने अर्थों और आशयों के रहस्यों के साथ जीवन और जगत की पड़ताल करता चलता है। शब्द की साधना के मार्ग पर चलने वाले एक ऐसे ही साधक को भारत की आत्मा ने संत कबीर के रूप में पहचाना। काशी की सरजमी पर पैदा हुए कबीर ने जो कहा सच कहा, खरा कहा, दोटू कहा, इसीलिए 600 बरस बाद भी कबीर का कहा हमें अपना लगता है, हमें अपना सच लगता है। ये सच है कि सच्चे कर्मयोगी कभी भी अपनी साधना के दिन नहीं गिनते, लेकिन समाज के पास उनके सत्कर्मों का हिसाब जरूर होता है, और एक दिन आता है जब समाज उसके महान योगदान के प्रति अपनी आंतरिक कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करता है। संत कबीर के अवदान को इसी श्रद्धाभाव से याद करने का उपक्रम मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने किया है। जीवन नभ में चांद कल्पनाओं के शत शत, एक सत्य का सूर्य उगाना श्रेयस्कर है, किंतु कल्पना भी प्रसार उस भाव बिंदु का जो कि अंततः किसी सत्य पर निर्भर है। आइए कबीर के सच का, कबीर के निर्गुण का शब्द रंग दृश्य और ध्वनियों में हम सुविरन करें। हीरत हीरत ही सकी रहा कबीर हीरा, समत समान बूंद में सोकत खेरिया जाए। कबीर के कहे पर सारी दुनिया ने सहमति की मोहर लगाई, उसे अपना माना। शताब्दियां बीत गईं, कबीर ने भी 100 से भी ज्यादा बरस जीकर इस नश्वर संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनकी आवाज समय की दरिया में उठती गिरती लहरों के संग अपनी यात्रा में लगातार बहती रही। मानो वे कहते हों, जब तक घट घट में पंछी बोलता रहेगा, उसकी रूह में मेरी आवाज की धड़कन भी बनी रहेगी। गौर करने की बात यह है कि पोथियों में ज्ञान की रोशनी खोजने वाले बुद्धिजीवियों से लेकर अपनी सरहद में गुजर करने वाले निरक्षर की देहरी तक कबीर दस्तक देते हैं, और 2.5 अखर के प्रेम का पैगाम देकर जीवन के उत्कर्ष का संदेश दे जाते हैं। कबीर अंतर्मन की आवाज, वो आवाज जो आत्मा से परमात्मा को ऐसे मिलाए, मानो बहती नदियां सागर में अपने आप ही जाकर मिल जाए। कबीर हद से अनहद की ओर जाता हुआ वो रास्ता, जहां रंगों में उस एक रंग की ही माया है, जहां अपने सदगुरु की ही छाया है, जहां प्रेम ही प्रेम सब ओर, जहां विश्वास की वो अटूट डोर है। कबीर छुपी हुई उस कस्तूरी की तलाश,
मृग तृष्णा वाली मन की प्यास, घाट में वो ही एक ऐसा घाट जिसमें डूब कर ही बनती है हर बात। कबीर, जहां मन की शंकाओं का अंत है, जहां ज्ञान की सीमा अनंत है, जहां कठोर सहज और सहज कठोर है, जहां भाव खुद भक्ति और प्रेम से विभोर है। सूरज चंद्र का दरअसल कबीर की यात्रा निर्गुण की यात्रा है, एक ऐसे साधक की यात्रा जो सांसारिक जीवन के भौतिक सुखों का सतही आनंद रचने वाले मनुष्य को उस ठौर पर ले जाने का निमंत्रण है, जहां चेतना का अजर अमर उजाला आत्मा का उत्सव रच रहा है। कबीर की साधना ने जीवन के इस गूढ़ सत्य को इतना सहज होकर कहा कि जैसे सारी दुनिया को वो अपनी सी आवाज लगी। शब्द रंग दृश्य और ध्वनियों में कबीर की भक्ति और कबीर का संदेश निर्गुण की पुकार बनकर जीवंत हो उठा। लाले मेरे लाल की जित देखे तित राग, लाले मेरे लाल की जित देखे तित राग, लाले देखन मेरे मैं भी हो गई। वक्त के एक मुकाम पर खड़ा लोक नायक, एक सजग प्रहरी, एक सच्चा भक्त जिसने कुरूतियों पर कटाक्ष किया, विसंगतियों पर प्रहार किया और आडंबरों के विरोध में आवाज उठाई, जो कहा दो टूक कहा, लेकिन प्रेम का रस हमेशा उनकी आत्मा में बना रहा। दरअसल कबीर की आवाज यकीन की रोशनी बनकर वक्त के साथ फैलती रही। वह सच्चे अर्थों में लोक की आवाज है, इसीलिए शब्द की वाचिक परंपरा में कबीर अपनी सरजमी काशी से कैलाश तक जाने कितनी ही बोलियों, भाषाओं और गान शैलियों में आज भी जीवित हैं। कबीर के निर्गुण भक्ति पदों ने भारत के लोक मानस को कुछ इस तरह मथा कि अंचलों और जनपदों ने उसे न केवल अपनी स्मृति में धारण किया, बल्कि उनमें निहित भाव बिंबों और संदेशों को अपनी भाषा में समो लिया। मिट्टी, पानी और वहां की सौंधी खुशबुओं से भरी पारंपरिक धुनों में उन्हें ढालकर आध्यात्मिक संगीत का अनोखा लोक ही रच दिया। घट के पट खोल री तो है, घट के पट खोल री तो है, साई मिलेंगे जी। घट के पट खोल री तो है, साईं मिलेंगे जी।
कबीर की निर्गुण धारा को हम कई किनारों तक बहता देख सकते हैं। बस विराट को पुकारती एक अंतहीन आवाज, यह पुकार किसी भी चित्त से उठ सकती है और यह निवेदन किसी भी सच्चे स्वर का नाद बनकर भक्ति के गहरे उदात्त रंगों में महक सकता है। माया मोहित हो ये भूल जे तो मारे चुरासी लख जोनी रोमी बारे बारे मोरी घुरे फिरे एई भव संसारे मोरी घुरे फिरे एई भव संसारे कृपा करे आमाए आलो देखाओ दयाल केन अंजन नयने दाओ दयाल केन अंजन नयने दाओ असरे कबीर का पंथ हमेशा प्रेम की पोथी लेकर आगे बढ़ता रहा, लेकिन कबीर की जिंदगी की किताब के पन्ने पलटकर देखें तो दुश्वारियों की जाने कितनी कहानियां बोल पड़ती हैं। सुने अनसुने बेशुमार किस्से कबीर से जुड़ते हैं और काशी के उनके ठिकाने से लेकर मगहर में उनके महाप्रयाण तक एक बेमिसाल शख्सियत के रंग उजले होने लगते हैं। हां, कबीर की कहानी संघर्षों की कहानी जरूर है, पर पराजय की नहीं। कबीर के निर्गुण का स्वीकार बहुत गहरा और व्यापक है। उन्होंने जो कुछ भी कहा साहस से कहा, निडर होकर कहा। उनके पदों में अनगढ़ता है, खुरदुरापन भी है, लेकिन उनकी सहजता और सच्चाई एक ऐसा सुथरापन रचती है कि जिसमें सारा अनगढ़ खो जाता है। खुरदुरापन भाने लगता है क्योंकि वे जाति वर्ण और नस्ल के भेदभावों के कट्टर विरोधी, लेकिन एक सच्चे आदमी के हृदय में जागती प्रार्थना है। यही कारण है कि जितना सघन रिश्ता कबीर का लोक कंठ में हमें दिखाई देता है, उतना ही आत्मीय और गहरा सुरोकार शास्त्रीय संगीत में भी जीवंत होता है। घट घट में बोलते पंछी की चहक यहां भी सुनाई पड़ती है। घट घट में पंछी बोले घट घट में पंछी बोले घट घट में पंछी बोले पंछी बोलता।
पंछी बोलता आप ही डंडी आप तराजू आप ही डंडी आप तराजू आप ही डंडी कबीर लोक के हैं और लोक कबीर का। कबीर की भाषा लोक के मन की भाषा है, इसीलिए कबीर का उद्गार अनुभव की इबारत बन गया। आस्था में गहरे उतरकर उन्होंने सांसारिक बीहड़ में भटकते मनुष्य को सच्चे उत्कर्ष की दिशाएं दिखाई। आसान से शब्दों में उन्होंने कहा, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरी पास में। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हसे हम रो
हम हंसे जग रोए। जीने 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 रे जीने राम नाम रस भीनी। झीनी रे झीनी झीनी रे झीनी चदरिया राम नाम रस भीनी। राम नाम रस भीनी। जीवन के रंग महल में कबीर आत्मा की पुकार हैं। उनकी आवाज एक ऐसा मरकज है जहां इंसानी उसूल पनाह पाते हैं। वे जीवन के सुख दुख, आशा निराशा, संघर्ष और जय पराजय की अंतहीन गाथा सुनाते हुए मोक्ष के दरीचे पर दस्तक देते हैं। उनकी वाणी वीणा बन जाती है और उनका चिंतन जीवन का रस छलकाता मंगल कलश। राम निरंजन न्यारा रे न्यारा रे। राम निरंजन न्यारा रे न्यारा रे। अंजन सकल पसारा रे भाई। राम निरंजन न्यारा रे न्यारा रे। Yeah.
जन गोपी संगी गोविंद रे ये सच है कि संत अध्यात्म के आकाश में इंसानियत का इंद्रधनुष है। सौंदर्य के सितार पर सद्भावना का संगीत है, विकृति के बाजार में संस्कृति का शंखनाद है, सदाचरण के आशीष हैं वे, जागरण के ताबीज हैं, प्यार की पीढ़ी पर परमात्मा की प्रार्थना है। हम न मरी हैं, मरी है संसारा। धीरे